अधिकार आहे, परंतु त्यांनी त्या संस्थेचा एक आदर राखण्यासाठी हा निकाल किंवा हा निर्णय घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांकडे जरी दिलेला असला तरी व्हीप पक्षादेश हा तो त्यावेळेला जो पक्ष होता म्हणजे माझी शिवसेना त्या पक्षाचा पक्षादेशच चालणार आहे। त्याच्यामुळे हा सगळ्यात महत्त्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिलेला आहे। सुप्रीम कोर्ट के उस ऑब्जर्वेशन पर उस कहने पर कि पार्टी का व्हिप जो होगा वो लेजिस्लेचर पार्टी नहीं जो एक्चुअल पार्टी है उसी का व्हिप निर्धारित होता है, उन्होंने कहा कि जो मेरे नेतृत्व की पार्टी थी उसी का फैसला उसी का व्हिप चलना चाहिए था। माझी जसं मी तुम्हाला म्हटलं की मी एक नैतिकता मला असं वाटलं की ज्यांना सगळं काही देऊन सुद्धा हपापलेली लोक मी माझ्यावरती अविश्वास ठराव आणणार आणि त्यांच्या हपापलेपणाला मी पुरेसा पडू शकत नाही, कारण आणखी काय नाही। उद्धव ठाकरे का कहना की जब सब मुझे छोड़कर चले गए मेरे खिलाफ विद्रोह हुआ तो अगर मेरे खिलाफ ही अविश्वास है तो मेरा वहां पद पर रहने का क्या अधिकार, इसीलिए मैंने नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दिया। उसी नैतिकता का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे का ये कहना की आज एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को भी इस्तीफा दे देना चाहिए तत्काल। उनका कहना कि इस्तीफा दें, सरकार को बेदखल करें और उसके बाद सीधा चुनाव कराएं और जनता के पास दोबारा जाएं और जनता यह तय करे कि किसको नेतृत्व करना चाहिए। ती पद्धत बघितल्यानंतर राज्यपाल यंत्रणाच आता शिल्लक ठेवावी की नाही हा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयाला आम्हाला म्हणजे मला असं वाटतं विचारायला पाहिजे की हे असंच जर का, कारण प्रत्येकाचे काम असतं। या सर्वोच्च न्यायालयाने केलं तसंच जसं आता मीडिया असतो जिसका जो काम है वो काम क्या ठीक से किया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे लगता है कि वापस मुझे उच्च न्यायालय का आह्वान करना चाहिए कि गवर्नर ने क्या जो किया वो ठीक किया और उसकी वजह से जो घटनाएं घटी उस पर उसकी जिम्मेदारी जवाबदारी कौन लेगा। महत्वाचा मुद्दा हा है कि राज्यपाल महोदय तेव्हाचे जे काय होते त्यांनी इकडे जे न करू करायचं ते न म्हणजे करायला नको ते करून गेले, आता गेल्यानंतर त्यांना सजा काय। ये कहकर के राज्यपाल को जो नहीं करना चाहिए था वो तो उन्होंने कर दिया, पर अब राज्यपाल को सजा क्या होगी, उसका क्या करूं। अगर कोर्ट कहती है जो राज्यपाल ने किया वो ठीक नहीं किया लेकिन उसका मैं क्या करूं, अजी बात नहीं, उसका क्या, उसकी सजा किसको मिलेगी। फुटीरांचा व्हीप नामंजूर केलेला आहे सर्वोच्च न्यायालयाने, त्याच्यामुळे माझ्या शिवसेनेचाच व्हीप लागू होणार। जो व्हीप अगर 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 एकनाथ शिंदे द्वारा तय किए नियुक्त किए गए व्हीप को अगर सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल ठहराया है, यानी कि मेरा व्हीप वहां चलना चाहिए था। राज्यपाल काय, राज्यपाल ही संस्था म्हटल्यानंतर ती काय कॉम्प्युटर नाहीये, त्या व्यक्तीच्या राज्यपाल एक संस्था नहीं, संस्था है एक ऑफिस है लेकिन वहाँ वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। नाहीतर तो पायंडा पुढे पडेल। प्रत्येक राज्यपाल हेच म्हणतील की आम्हाला काय आमच्या काळात त्यांचे 12 वाजून जायचंय, निकाल येईलपर्यंत आम्ही आमच्या घरी पोहोचलेलो असू। तो अगर आज उस व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं होती, उनको कोई सजा नहीं होती, तो आगे भी राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान अनेकों अनेक फैसले लेकर उसके बाद कार्यकाल समाप्त होने के बाद कहेंगे वो तो मैंने तब लिया था, अब आप मेरे घर क्यों पहुंच रहे हैं। निवडणूक आयोगाचं काम हे निवडणूक आयोगाने त्यांच्या चौकटीत केलं पाहिजे। निवडणूक आयोग म्हणजे ब्रह्मदेव नाहीये, राज्यपाल म्हणजे ब्रह्मदेव तर अजिबातच नाहीये, त्यांना आता राज्यपाल मानायची की नाही ती संस्थाच ठेवायची की नाही हाच आता चुनाव आयोग हो राज्यपाल हो कोई भी ब्रह्मदेव नाही है ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। इन सब पर भी मतांच्या टक्केवारीवरती एखाद्या इन सब पर भी पूरी तरह से आणि त्याला निवडणूक चिन्ह देणं हे त्यांचं काम असतं, नाव देणं उनकी जिम्मेदारी, उनके फैसलों पर उनकी जवाबदारी पूछनी चाहिए मांगनी चाहिए और अगर वो गलत फैसले लेते हैं तो उनको उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। कदापि शिवसेना हे नाव दुसऱ्याला आम्ही घेऊ देणार नाही, तो निवडणूक आयोगाचा घटना बाह्य अधिकार आहे, कारण नाव धनुष्यबाण आणि हे त्या मतांच्या टक्केवारीवरती ठरवण्याचा अधिकार कदाचित किंवा निवडणूक आयोगाला आहे। जसं आता काही पक्षांची राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता काढली ते तुम्ही मतांच्या टक्केवारीवरती नोंदणी करू शकाल पण नाव नाही काढू शकत। नाम आप नहीं हटा सकते, शिवसेना नाम आप किसी और को नहीं दे सकते, भले ही चुनाव चिन्ह आप किसी और को दे दें
आपके पास शायद वो अधिकार है कि आप चुनाव चिन्ह मत के बेसिस पर नाम दे सकते हैं, लेकिन आप नाम किसी को नहीं दे सकते और मैं शिवसेना नाम किसी और को लेने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ये उद्धव ठाकरे का कहना, चंद सवाल जो वहां उन्होंने पत्रकारों से पूछे।